बताएंगे कि पापा से बातचीत कैसे करते हैं। ठीक है, हमें डांट पापा से ज़्यादा पड़ती है मामा से? पापा से गुफ्तगू कैसे करें, पापा के फेवरेट कैसे बने, पापा हमें पसंद करना शुरू कर दें, पापा से हम डांट कम खाएं, तो ये हो सकता है, ये कैसे होगा? आज हम सीखते हैं कि हम पापा के फेवरेट कैसे बनेंगे। तो बेटा, जो मामा का तरीका है और जो पापा का तरीका है, दोनों तरीके क्या होते हैं? दूसरे से होते हैं। तो पापा का तरीका जो है, आप पापा के साथ फन कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन पापा आपको मैस खिलाने नहीं देंगे, पापा आपको जंगली की तरह चीज़ें उधर उधर फेंकने नहीं देंगे। फन कर सकते हैं पापा के साथ, आप पापा के साथ फन कर सकते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि पापा जो हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, ऐसे ही ना, और पापा जो हैं वो हमसे तो रखते हैं कि हम जरा सख्त मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। क्यों हार्ड वर्क करें? इसलिए कि जिंदगी जो है वो क्या है, सख्त होती है, तो पापा थोड़े क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन जो छोटे किड्स होते हैं, अभी घर में भी है ना छोटे किड्स, 1 ईयर के, 2 ईयर के, 6 मंथ के, तो पापा जो छोटे किड्स होते हैं उनसे बड़ा प्यार करते हैं, ऐसे ना। yes. और आप सोचते होंगे कि हमसे तो ऐसा प्यार नहीं करते पापा, है ना, जैसा 6 माह के 1 साल के बेबी से करते हैं। तो पापा जो है छोटे बेबीज के साथ बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बेबीज जब बड़े होना शुरू होते हैं, ठीक है, जब बड़े होते हैं तो पापा का जो है, पापा का रवैया जो है वो क्या होता है, बदलना शुरू हो जाता है। तो जो जो बच्चा बड़ा होता है, पापा थोड़े सख्ती शुरू कर देते हैं। तो पापा का तरीका मामा से क्या है, अलग है। और इससे पहले कि हम ये सीखेंगे पापा के फेवरेट कैसे बनेंगे, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया के जितने भी पापाज होते हैं उनको उनकी कितनी इकसाम होगी। दुनिया के जितने भी पापाज हों, सख्त हों, नरम हों, क्रिस्पी हों, जैसे भी पापा हों, तो दुनिया में जितने भी पापा हैं, सब पापाओं की जो है वो दो साइड्स होती हैं। दुनिया में जितने भी पापाज हैं उनकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है बैड साइड और दूसरी होती है गुड साइड। किस वक्त पापा की गुड साइड ऑन होगी और किस वक्त पापा की बैड साइड ऑन होगी, ये इसका इनसार इससे है कि आपका रवैया कैसा है और पापा का मूड कैसा है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कोशिश करनी है कि पापा की जो है वो गुड साइड ऑन रहे, ठीक है। पापा की गुड साइड का नाम कब ऑन होती है, जब आप अच्छे रवैये का मजारा करते हैं, ठीक है, जब आप पापा की बात मानते हैं, अपने काम करते हैं, तो पापा की गुड साइड ऑन होती है, आपको रिवार्ड मिलता है, इनाम देते हैं पापा, शाबाश देते हैं। और जब आपका रवैया अच्छा नहीं होता तो पापा की कौन सी साइड ऑन होती है, बैड साइड। और फिर अगर पापा की बैड साइड ऑन हो जाए तो ट्रबल शुरू हो जाती है, और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि वास्तव पूरे घर के लिए ट्रबल शुरू हो जाती है, पूरा घर ट्रबल में फंस जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि पापा की कौन सी साइड ऑन हो, गुड साइड। और गुड साइड के साथ साथ सम टाइम आपने देखा होगा कि सम टाइम पापा बड़े हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं ना, एंड सम टाइम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो पापा जब जो है कोशिश करें कि पापा जब हार्ड हो, ठीक है, सख्त हो, उस वक्त आपका रवैया क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप उनको गुस्सा ना दिलाएं अपने रवैये से, ठीक है, आप उनको क्या करें, गुस्सा ना दिलाएं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि पापा को क्या पसंद होता है और क्या नापसंद होता है। पापा जो होते हैं उनको ऐसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं जो बच्चे ईमानदार होते हैं, ठीक है, मददगार होते हैं, जो दूसरे भाइयों की, मामा की, पापा की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वो बड़े, और जिनका रवैया बहुत अच्छा होता है, पापा को ऐसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। और पापा को ये भी पसंद होता है, पापा को ये भी पसंद होता है बेटा कि आप उस वक्त भी काम करें जब पापा ने आपको नहीं कहा, ठीक है। मिसाल के तौर पर कमरे में गंध है तो पापा एक्सपेक्ट
करते हैं कि आप क्या करें, पापा को तो हमको दिया कि आप कहे बगैर इसको साफ कर दें, आपके कपड़े बिखरे पड़े हैं, आपके जूते रस्ते में पड़े हुए हैं, तो पापा लाइक करते हैं कि आप कहे बगैर क्या करें, उनको एक साइड में तरतीब से रख दें, ठीक है। और बेटा पापा जो है, पापा को एक और भी चीज पसंद होती है, पापा को और भी चीज पसंद होती है, वो है पापा को मैनर्स, अच्छे मैनर्स बड़े पसंद होते हैं। हाँ, पापा को शेक हैंड करना लाइक करते हैं, है ना। पापा जब घर आते हैं तो लाइक करते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो पापा के साथ क्या करें, शेक हैंड करें, दरवाजे पे जाके पापा को वेलकम करें, ठीक है। पापा को क्या लाइक है, दरवाजे पे जाके वेलकम वेलकम। और पापा को अच्छे मैनर्स पसंद है ना, तो पापा को ये पसंद जो है, पापा को ये पसंद नहीं है कि आप ऐसे नाक साफ करते हैं। हम करते हैं बात का हमला करते हैं, हाथ से मुंह साफ कर देते हैं, पापा को ऐसे 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 तरीके पसंद है, ठीक है। पापा को अच्छे मैनर्स पसंद होते हैं, क्या पसंद होते हैं, अच्छे मैनर्स। और अब आप ये भी समझे, ये तो आपने समझ लिया ना पापा को क्या पसंद है, अब आप ये समझे कि पापा को क्या पसंद नहीं है। पापा को बैड बुरा रवैया पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने अपनी बहन को धक्का दिया, पापा को पसंद है नहीं। आपने अपनी बहन का खिलौना छीन लिया, पापा को पसंद है नहीं है। आपने स्याही बहन पे फेंक दी, पापा को पसंद है नहीं है। पापा को ये चीजें पसंद है, पापा को एक और चीज भी पसंद नहीं है, वो बता क्या है, पापा को रोना धोना भी पसंद नहीं होता। हम करते रहते हैं ना, पापा को ये पसंद है, रोना धोना पापा को पसंद नहीं आता है, मामा कह सकती है पसंद, लेकिन पापा रोना धोना पसंद है। और इसके अलावा बेटा पापा को कंप्लेन भी पसंद नहीं है। पापा ने आपको काम कहा तो आपने शिकायत लगा दी कि मैं नहीं करूंगा, आपने प्रोटेस्ट किया कि मैंने नहीं करना, तो पापा को ये भी पसंद है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको डबल काम करना पड़ेगा। पापा ने कोई काम कहा, आपने प्रोटेस्ट किया, इत्तेजाज किया कि मैं नहीं करूंगा, तो काम क्या करना पड़ेगा, डबल। इसलिए जब पापा आपसे कोई काम करें तो क्या करें, फौरन काम कर दें, ठीक है, फौरन काम कर दें। बात समझ आ रही नहीं आ रही, पापा को प्रोटेस्ट पसंद है, पापा बिल्कुल प्रोटेस्ट प्लान नहीं करते, जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं उनको डबल काम करना पड़ता है, ट्रबल में आ जाते हैं। लगा जब पापा ने काम करें तो क्या करें, चुपचाप अपना काम है कर दें, ठीक है। और एक और मजे की बात बताऊंगा, एक और मजे की बात बताऊंगा, कभी कभी पापा हमें कहते हैं ना कि बेटा पहले होमवर्क करोगे या पहले खेलोगे या पहले कार्टून देखोगे, कभी कभी कहते हैं ना, तो पापा जब हमें चॉइस देते हैं कि पहले काम करोगे या पहले कार्टून देखोगे, तो हमेशा पहले काम करें, ठीक है, हमेशा क्या चूज करें, पहले काम करना। क्यों, पापा असल में ऑप्शन तो दो देते हैं, पापा ऑप्शन तो दो देते हैं कि पहले काम करना है या क्या करना है, पहले होमवर्क करना है या पहले कार्टून देखना है, लेकिन पापा का मतलब पता क्या होता है, कि पहले काम करो, ठीक है। इसलिए क्या करना है, पापा चॉइस दे भी तो पहले क्या करना है, काम करना है। वेल डन, यू आर वेरी गुड बॉयज, है पहले क्या करना है, काम करना है। और पापा को और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बड़ी मजे की बताऊंगा, तो जो पापा होते हैं, पापा ये पसंद नहीं करते कि जब आप काम शुरू करें तो रास्ते में छोड़ दें, बिल्कुल पापा इसको लाइक कर नहीं करते। इसलिए जब भी कोई आप काम शुरू करें, ठीक है, तो उस काम को जरूर एंड तक लेके जाएं, उस काम को उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक के खत्म है, पापा इसको लाइक नहीं करते कि आप काम को छोड़ के दरमियान से भाग जाएं, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पापा किसको लाइक नहीं करते, काम छोड़ के भाग,
वो क्या है, जब आपने छोटे बहन भाई की लड़ाई हो रही होती है ना, लड़ाई हो रही होती है ना, वो उससे खिलौना छीन रहा होता है, दूसरा उससे खिलौना छीन रहा होता है, उसमें आप क्या करते हैं, जाके दोनों में पढ़ के आप भी पढ़ जाते हैं दरम्यान में लड़ाई झगड़े की, आप क्या करते हैं दोनों से बात कर खिलौना छीन लेते हैं, या एक से खिलौना एक को डांटते हैं दूसरे से, दूसरे को खिलौना लेके दे देते हैं, तो पापा को ये भी पसंद है। जब आपके छोटे बहन भाई आपस में झगड़ रहे हो तो आप दरम्यान में नहीं कूदे, ठीक है, पापा को आपका चौधरी बनना पसंद है, ठीक है, आप क्या करें आराम से एक साइड में खड़े रहें और पापा को खुद मसले को हल करने दें, पापा खुद उसको हैंडल कर लेंगे, बात में आ रही है नहीं आ रही, तो बहन भाई अपने झगड़े में ना कूदे, पापा को ये पसंद नहीं होता। अच्छा एक और मजे की बात आपको समझाता हूँ कि कभी कभी डैड जो है पापा हमसे हमें कुछ बातें बताते हैं, ऐसी है ना, बताते हैं ना अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो बस बात हमें लगता है कि पापा की बात हमें पसंद नहीं है, लगता है ना, तो हमें पापा की बात पसंद हो या पापा की बात पसंद ना हो, लेकिन दोनों शक्लों में आप पापा की बात को जरूर सुनिए, दोनों सूरतों में पापा की बात को तवज्जो से सुनिए, सर हिलाएं, ताकि क्योंकि क्यों ऐसा करें, ऐसा इसलिए कि बात का हमें पता नहीं होता कि बात हमारी बनाएगी है ऐसे ना, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमारे कान की नहीं है, और अगर हमारे कान की ना हो तो तब प्लीज सर हिलाएं ताकि पापा अपनी बात क्या करें पूरी कर लें, अगर आप पापा की बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे इधर उधर देखेंगे, ठीक है, सर नहीं हिलाएंगे, यस नहीं कहेंगे, तो पापा की बैड साइड ऑन हो सकती है, ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, और अगर आप पापा से खेलना चाहें तो आप पापा से कह सकते हैं कि मैंने आपसे खेलना है, लेकिन अगर पापा इनकार कर दे, अगर पापा इनकार कर दे तो आपने माइंड नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल माइंड नहीं करना, हो सकता है पापा कह दें तो ना सुनने के लिए भी आप क्या कहें बेटा क्या है, और मुझे ये बात जैसे बताने लगे माहौल में जो पापा होते हैं ना, पापा बड़े अच्छे होते हैं, पापा जो हैं ये हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, क्या होते हैं स्ट्रेंथ होते हैं, ये हमारी ताकत होते हैं, पापा चाहते हैं कि हम हिम्मत ना हारने वाले बने, कौन बने, इसलिए वो हमें दरमियान में काम छोड़ने नहीं देते, वो चाहते हैं कि हम होमवर्क मुकम्मल करके उठें, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो पापा क्या करते हैं हमें, हाँ हमारी गलती की इसलाह करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी मदद भी करते हैं, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं गिरते हैं तो पापा क्या करते हैं हमें दोबारा साइकिल पे बिठाते हैं, तब हम साइकिल चलाना ताकि हम साइकिल चलाना सीख जाएं, तो पापा क्या चाहते हैं, पापा ये चाहते हैं कि हम कामयाब बने, पापा क्या चाहते हैं हम कामयाब बने, मजबूत बने, इंडिपेंडेंट बने, हौसले वाले बने, ठीक है, पापा क्या चाहते हैं हम मजबूत बने कामयाब बने, इसलिए कभी कभी पापा सख्ती भी करते हैं और कभी कभी पापा हमें गलती करने भी देते हैं, उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से खिलौना टूट जाएगा, गुब्बारा हवा में उड़ जाएगा, लेकिन वो उड़ने देते हैं ताकि हम अपनी गलती से सीखें, ठीक है, और हमारे अंदर क्या पैदा हो, समझ पैदा हो, शौर पैदा हो, सूझबूझ पैदा हो, तो पापा जो होते हैं बड़े ग्रेट होते हैं, हर पापा चाहते हैं कि हम क्या हों कामयाब हों, पापा चाहते हैं कि हम हिम्मत ना हारें, और पापा की मदद से हम वो बन जा सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, तो सो वी लव अवर पापास, वी लव अवर पापास, एवरी पापा इज ग्रेट पापा, ओके बेटा थैंक यू वेरी मच।